Brain Wave. Ride the wave of knowledge. 1936 में जब पंडित जवाहरलाल नेहरू ने यह ऐलान किया कि हिंदुस्तान में सिर्फ दो ही ग्रोह हैं, एक अंग्रेज और दूसरा हिंदू, तो कायदे आजम ने इन्हें इस वक्त ललकारा और इन्हें ये बाबर खाया कि यहाँ एक तीसरा ग्रोह भी है जिसे मुसलमान कहते हैं। तो शेर की इस गलत से कांग्रेस के ईवान कांप उठे। कायदे आजम के इस नारे हक का अंजाम ये हुआ कि कांग्रेस ने कायदे आजम को निशाने पर रख लिया। बकौल मिस्टर खुर्शीद हसन, एक तरफ तो हिंदुस्तान में कांग्रेसी और इनके जर खरीद कायदे आजम को काफर, मगरबी तहजीब का दिलदादा, इस्लाम से ना आशना और अंग्रेज का पिट्ठू कहकर इनसे मुसलमानों को दूर रखने की कोशिश कर रहे थे, और साथ साथ दूसरे ममालिक खुसूसन इंग्लिस्तान में कायदे आजम को रिजत पसंद, फिरकाप्रस्त, मजहबी जुनूनी और न जाने किस किस फर्जी रंग में पेश करके अंग्रेज कौम के सामने इनकी सियासी पोजीशन को कमजोर करते रहे। कायदे आजम के इखलाको किरदार और दीन इस्लाम पर अमल के सबूत के लिए सिर्फ एक वाकया ही काफी है, जिसको मुंशी अब्दुल रहमान ने अपनी किताब कायदे आजम का मजहब और अकीदा में तहरीर किया है। वो लिखते हैं कि मौलवी शबीर अली थानवी कायद से अपनी एक किताब और मुलाकात की तफसील तहरीर करते हुए लिखते हैं कि दौरान गुफ्तगू मैंने जिनाह साहब से ये सवाल किया कि आप हजारों रुपया खर्च करके पंडाल वगैरह बनाते हैं और लोग गले फाड़ फाड़ कर नारा तकबीर कहते रहते हैं, इससे क्या फायदा होता है? जिनाह साहब ने फरमाया कि इससे गैर अकवाम पर रोब पड़ता है। मैंने कहा कि मैं एक और तकबीर बताता हूँ जिससे रोब और ज्यादा होगा। कायदे आजम ने फरमाया वो क्या है? मैंने कहा जब जलसे के दौरान नमाज का वक्त आ जाए तो इस 1.5 लाख के मजमे को लेकर बाजमात नमाज अदा करें, फिर आप खुद देखेंगे कि कितना रोब बढ़ता है। इस पर कायदे आजम ने जो जवाब दिया वो आपकी कमाल बसीरत का आईनादार सबूत है। आपने फरमाया कि आप ठीक फरमाते हैं मगर मैं इस वक्त इस पर अमल करने से कासिर हूँ। मैंने कहा कि आपको क्या उजर है? तो फरमाया कि आप बाजमात नमाज पढ़ने को तो कहते हैं पर इमाम किसको बनाऊं? मुमकिन है कि मेरा ख्याल दुरुस्त हो, अगर मैं इमामत करूं तो सब लोग ना सही मगर कसीर तादाद में लोग मेरी इक्तदा में नमाज अदा कर लेंगे, मगर मैं खुद को इमामत के काबिल नहीं समझता और ना ही मुझ पर इस काम की अहलियत है, इसलिए किसी दूसरे को इमाम बनाना पड़ेगा। अब मसला ये है कि अगर इमाम देवबंदी होगा तो बरेलवी इसकी इमामत में नमाज अदा नहीं करेंगे, और अगर इमाम बरेलवी होगा तो देवबंदी नहीं पढ़ेंगे, और अलग अलग जमातों की वजह से गैर अकवाम पर मुसलमानों का इख्तलाफ नुमाया होगा, तो इससे फायदे की बजाय नुकसान होगा और दुश्मन मुसलमानों को अलग अलग देखकर इससे फायदा उठाने की कोशिश करेगा, इसलिए फिल वक्त मैं इस तजवीज पर अमल करने से कासिर हूँ। मैंने कहा कि अगर इस पर बात की तो बहस तवील हो जाएगी। अब एक दूसरी बात अर्ज करता हूँ कि आप पर भी नमाज फर्ज है तो आप क्यों नमाज नहीं पढ़ते? आप जलसों में अपना ये मामूल रखें कि जब नमाज का वक्त आ जाए तो आप खुद जाए नमाज बिछाकर नमाज पढ़ना शुरू कर दें, बेशक कोई नमाज पढ़े या ना पढ़े। इस सवाल का जवाब जो जिनाह साहब ने दिया, इनके अल्फाज आज तक मेरे कानों में गूंज रहे हैं, जिनको सुनकर मुझे पसीना आ गया। आमतौर पर ये देखा क्या है कि जब इंसान किसी ऊंचे मुकाम पर पहुंचता है तो वो तकब्बुर का शिकार हो जाता है और खुदा को भूल जाता है और अपने ऊपर किए गए किसी भी एतराज को अपनी तोहीन समझते हुए एतराज करने वाले को करार वाकई सजा देने के अहकाम जारी कर देता है। मगर हमारे कायद से ये सवाल मजमाए आम में हो रहा था और कायद इस वक्त कुर्सी पर तकिया लगाए बैठे थे। कायद पर इस सवाल का इतना रोब तारी हुआ कि आप आगे को झुक गए और नहायत नदामत के लहजे में कहने लगे कि मैं गुनाहगार हूँ, खताकार हूँ, आपको हक हासिल है कि मुझे नमाज का कहें और मेरा फर्ज है कि मैं सुनूं। मैं आपसे वादा करता हूँ कि आइंदा नमाज पढ़ूंगा। मजमा में सरकर्दा अफराद की मौजूदगी में कायद के इजहार नदामत और इकरार खता के अमल ने मुझे बहुत मुतासर किया है। कायद ने कहा कि आप मेरे लिए दुआ करें, मैं आपसे वादे को पूरा करने की कोशिश करूंगा। इसके बाद कायद ने नमाज शुरू की और अपने आखिरी वक्त तक नमाज के पाबंद रहे और इनके देखा देखी बाज बेनमाजी भी नमाज के पाबंद हो गए। सुभान अल्लाह, ये थे हमारे कायद, जो वादा किया इसे पूरा करके दिखाया, चाहे वो नमाज पढ़ने का वादा हो या पाकिस्तान बनाने का वादा हो। अल्लाह रब्बुल इज्जत इनको जन्नतुल फिरदौस में अपने कुर्बे खास में जगह अता फरमाए। आमीन। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज सब्सक्राइब।